नमस्कार। आज इस वीडियो में हम एक बहुत ही ज़रूरी विषय के बारे में चर्चा करेंगे। वो है एक टर्म जिसे कहते हैं ट्यूमर स्टेज और एक टर्म ट्यूमर ग्रेड। तो ट्यूमर स्टेज और ट्यूमर ग्रेड के बीच में क्या फ़र्क है ये जानते हैं। ट्यूमर स्टेज का मतलब ये है, या कैंसर स्टेज का ये मतलब है कि बीमारी का एक्सटेंट, बीमारी किस स्थिति में शरीर में है, कहाँ तक फैली हुई है। स्टेज जो है वो हमें ये बताता है बीमारी कहाँ कहाँ कितनी है, एक ही जगह है, एक ही जगह है तो कितनी बड़ी है। स्टेज जो है, स्टेज वन बोलते हैं, स्टेज टू बोलते हैं, स्टेज थ्री बोलते हैं, और अधिकांश जो कैंसर्स हैं उसमें स्टेज फोर भी होता है। कुछ कैंसर्स में केवल स्टेज थ्री तक कैंसर्स होते हैं। ब्लड कैंसर्स में स्टेज की परिभाषा नहीं लागू होती है, क्योंकि ब्लड कैंसर तो ब्लड में ही घूमने वाली एक बीमारी होती है। तो जैसे फेफड़े का कैंसर हो गया, इसमें स्टेज की बात करते हैं। ब्रेस्ट का कैंसर हो गया, इसमें स्टेज की डेफिनेशन लगती है। तो स्टेज वन का मतलब ये होता है कि बीमारी एक ही जगह है, छोटी सी गांठ है, जैसे कि 2 सेंटीमीटर या 3 सेंटीमीटर, उससे भी छोटी। स्टेज टू का मतलब थोड़ी बड़ी गांठ। स्टेज थ्री का मतलब या तो बड़ी बड़ी गांठें हों, या फिर बीमारी एक जगह से शुरू होके उसके अगल बगल के कुछ एरियाज होते हैं जिनको कि हम लिम्फ नोड बोलते हैं। जैसे कि देखा होगा ना, गर्दन में बच्चों के भी लिम्फ नोड्स बड़े रहते हैं, अगर उसमें चली जाए तो जनरली स्टेज थ्री के आसपास होती है। ब्रेस्ट कैंसर की गांठें ब्रेस्ट या स्तन से शुरू होकर कांख में जा सकती हैं, तो वो स्टेज थ्री का कैंसर कहलाती है। स्टेज फोर का कैंसर का मतलब होता है, जिसके बारे में लोगों को पता भी होता है कि स्टेज फोर तो नहीं है मैडम, कई बार यही सवाल हमें सुनने को मिलता है। स्टेज फोर का मतलब ये है कि बीमारी जो है शरीर में एक जगह से शुरू होकर कई जगह फैल गई है। इसका मतलब ये है कि बीमारी जो है, कैंसर एक ऐसी बीमारी है जो कई बार ब्लड में जा सकती है और जिसकी वजह से ये शरीर के दूसरे हिस्सों में भी जा सकती है। फेफड़े का कैंसर जो है वो फेफड़े से शुरू होके लिवर में, ब्रेन में और हड्डियों में जा सकता है, तो उसे हम स्टेज फोर का कैंसर कहते हैं। अब ग्रेड क्या होता है ये जानते हैं। ग्रेड ये है कि अगर हमने बायोप्सी किया, सर्जरी से अगर हमने ट्यूमर निकाल लिया या कैंसर निकाल लिया, उसकी अपीयरेंस, वो देखने में कैसा दिखता है, इसको हम ग्रेड बोलते हैं। ग्रेड का मतलब ये होता है, आमतौर पे ग्रेड वन, ग्रेड टू, ग्रेड थ्री होती है। अच्छा, कई बार लिखते हैं ग्रेड थ्री, इसका क्या मतलब है, ग्रेड टू, ग्रेड वन। कैंसर जब स्टार्ट होता है, बनता है बॉडी में, तो उसमें ना कुछ म्यूटेशन या चेंजेस होते रहते हैं। तो शुरुआत में तो कई बार ऐसा होता है कि हल्की फुल्की से चेंजेस होते हैं, बट कई बार बहुत ज़्यादा चेंजेस हो जाते हैं, और यही ग्रेड से हम देखते हैं। जैसे कि बहुत एक सरल सा एग्जांपल देती हूँ कि कोई जैसे कि कोई एक ट्यूमर है जो डिब्री की तरह या दिए की तरह जल रहा है, या फिर वो मशाल की तरह जल रहा है, इसको हम ग्रेड से डिफाइन करते हैं। ये हम देख के कि ये देखने में कैसा लग रहा है, कितना एग्रेसिव हो सकता है। तो ग्रेड वन वाले ट्यूमर कम एग्रेसिव होते हैं, ग्रेड थ्री वाले ट्यूमर आमतौर पर ज़्यादा एग्रेसिव होते हैं। तो ग्रेड वन, ग्रेड टू, ग्रेड थ्री ट्यूमर होते हैं। किसी किसी ट्यूमर में, जैसे कि कुछ ब्रेन के ट्यूमर्स में ग्रेड फोर भी होते हैं, पर जनरली ग्रेड थ्री तक होते हैं, और ग्रेड फोर केवल ब्रेन ट्यूमर्स में होते हैं, अदरवाइज ग्रेड फोर जनरली ट्यूमर्स में नहीं होते हैं। तो स्टेज का मतलब ये है कि बीमारी कहाँ तक फैली है शरीर में, यह देखने के लिए हम स्कैन्स का प्रयोग करते हैं, जैसे कि पूरे शरीर का या तो पेट स्कैन कर लिया, या फिर सीटी स्कैन कर लिया, एमआरआई कर लिया। और जो ग्रेड है उसके लिए हम बायोप्सी या फिर टिश्यू का जो सैंपल होता है वह लेते हैं, और फिर उसको एग्जामिन करते हैं माइक्रोस्कोप में, और फिर हम डिसाइड करते हैं कि बीमारी का ग्रेड क्या है। तो बायोप्सी की, उससे ग्रेड पता चलेगा, बायोप्सी से स्टेज नहीं पता चलेगा, उसके लिए तो हमें कुछ ना कुछ स्कैन करना पड़ेगा। तो ये है फर्क ग्रेड और स्टेज में। थैंक यू।